बिस्मिल्लाह रहमान, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर जो है 14 कंप्लीट कर लिया, तो आज हम केस स्टडीज देखेंगे। इससे भी दो केस स्टडी जो है हम करेंगे। केस स्टडी नंबर 1 है हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप केस स्टडी आपको करते हुए आपको सारे सबसे पता होगा कि सबसे पहले आप केस स्टडी की स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, थर्ड पे जाके आप सोर्स ऑफ डाटा लिखते हैं कि आपका किस सोर्स से लिया। आप खुद डाटा कलेक्ट करें तो वो सोर्स लिखेंगे, अगर किसी बुक से लिया तो वो लिखेंगे, अगर इंटरनेट से लिया तो वो लिखते हैं। फोर्थ पे जाके आपके पास मेथोडोलॉजी आ जाती है, मेथोडोलॉजी में जाके सारा न्यूमेरिकल काम होता है आपका। नेक्स्ट उसके बाद आपने लिखना होता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट में सारे स्टेप्स जो आपने किए होते हैं उसके बारे में आप बताते हैं कि मैंने ये किया, इसका ये रिजल्ट आया, और कंक्लूजन में जाके आपने थोड़ा सा कंक्लूजन के बारे में बता देना होता है। सबसे पहले हम जो है स्टेटमेंट को रीडिंग करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। कंसीडर अ सेट ऑफ इवन सिंगल डिजिट इंटीजर 0, 2, 4, 6, 8। अभी आपके पास पॉपुलेशन है, और इसका मतलब है आपके पास कैपिटल एन हो गया यहाँ पे 5। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 3। आपने सैम्पल साइज 3 लेना, ठीक है। डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस सेट ऑफ इंटीजर बाय सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये विदाउट विद रिप्लेसमेंट सॉरी आपने काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखी है कि ये आपकी पॉपुलेशन सैम्पल बता दिया, और विद रिप्लेसमेंट काम करना है। नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन एंड मीडियन फॉर द सैम्पल साइज 3। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है मीन की भी और मीडियन की भी, ठीक है, इन दोनों की बनानी है आपने। नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद थर्ड पार्ट आपका कंपेयर एंड कमेंट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन विच एस्टिमेट विल कंसिडर द बेस्ट एस्टिमेटर। अब इसमें बेस्ट एस्टिमेटर होगा जिसका जो है मीन कम होगा, वेरियंस स्टैंडर्डाइजेशन कम होगा। अब हम इसको देख लेते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप को। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो मीन और जो है वेरियंस तो आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज के सिटी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाएगा आपने कि ऑब्जेक्टिव में क्या कि आपने लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपने बता दिया हमने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। थर्ड में आपने बता दिया कि आपने कंपेयर कर लिया तो कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट है, ठीक है। जो आपकी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपने क्वेश्चंस करने होते हैं वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि हमने ये करना है, हमने ये करना है। आ जाता है सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा में आपने यहाँ पे लिख देना है दीज डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द बुक जस्ट द एस्टिमेट्स ऑफ एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स बाय जॉनसन दुबे, ठीक है, 9th एडिशन। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है मेथोडोलॉजी में आपने सेम मेथड, ये तो मैं आपको बस वैसे ओवरव्यू दे दूँ, आपने करना खुद है। पॉपुलेशन आ जाएगी, नेक्स्ट जो है आपका कैपिटल एन आ गया, स्मॉल एन आ गया, आपने जो है देख लिया कितने सैम्पल्स बनेंगे, 125 आपके सैम्पल्स बनेंगे इस केस में। आपने सैम्पल लिख लिया, साथ उसके मीन निकाल लिया, और उसके बाद उसके साथ उसका मीडियन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये आपका मीन आ गया और ये आपका मीडियन आ गया। अब मीन क्या होगा, मीन तो बता आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड करके 3 पर डिवाइड कर देना है, और इसमें आपका मीडियन वो होगा आप इसको अरेंज करके तीनों वैल्यूज में देखेंगे कि स्मॉल वैल्यू जो मिडिल वैल्यू होती है दरमियान वैल्यू वो आपका मीडियम होती है। इस तरह से आपके पास दोनों कॉलम्स बन जाएंगे, 125 सैम्पल्स बनेंगे, और उनके अगेंस्ट उनका मीन और जो है मीडियन आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, आपने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मीन बनानी है, एक्स बार लिख लिया, उसका उसकी फ्रिक्वेंसी लिख ली हर जो यूनिट के अगेंस्ट आ रही थी, एफ ऑफ एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी लिख ली उसकी। और उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप हो गया कि आपने मीन के लिए ये वाला कॉलम कैलकुलेट करना होता है, एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, और वेरियंस के लिए एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार स्क्वायर। इस तरह से आपके सारे कॉलम्स हो जाएंगे, इनका आपने सम कर लेना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड कर लिया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वेरियंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपने जो है इसके बाद आ जाना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मीडियन, पहले मीन के लिए किया था, आप मीडियन के लिए करेंगे। आपने जो है मीडियन की देख ली वेरिएशन कहाँ तक है, फ्रिक्वेंसी, उसकी प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट मीन के लिए और वेरियंस के लिए उसका कॉलम बना लिया, नेक्स्ट जाके जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब जिसका जो है एस्टिमेटेड की वैल्यू स्मॉल होगी, नेक्स्ट आपने जब इनके जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और जो है वेरियंस कैलकुलेट कर लिए, उनको आपने अरेंज फॉर्म में लिख देना और बताना है कि कौन सा बेस्ट जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी बेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे मीन वाले का 2.449 और यहाँ इसका आया 5.31। इट्स मीन कि आपका जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो बेस्ट है, बेस्ट एस्टिमेटर है, या फिर मोर एफिशिएंट है। एज वी मेक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एंड द मीडियन वी गेट टू डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ द मीन एंड मीडियन एज वी नो वेरियंस विच टेक्स लेस वैल्यू, मतलब जिसकी स्मॉलर वैल्यू आती है वो मोर एफिशिएंट होता है। तो इस केस में आपका जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है बेस्ट आता है, ठीक है।
कंक्लूजन आ जाता है, उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है आपकी, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग इस तरह से इसके मेथड्स हैं, इसके सारे स्टेप्स हैं। सेकेंड आपके पास केस स्टडी आ जाएगी, केस स्टडी नंबर टू, ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही आपने करनी है, इस मतलब कि चैप्टर नंबर 14 की ही है ये, इससे रिलेटेड है, लेकिन ये स्टेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करना होगा आपने। स्टेटमेंट सबसे पहले लिखिए, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 80 फॉर्म्स विच आर सर्टिफाइड बाई फॉर्म साइज, ये आपके पास कैपिटल एन है, एक्सपेंडिचर ऑन द लास्ट ईयर बाई ईच फॉर्मर प्रेजेंटेड इन अ टेबल गिवन बिलो, आपको यहाँ पे जो है स्टेटम की वैल्यू, स्टेटम वन, स्टेटम टू, स्टेटम थ्री की वैल्यूज गिवन होंगी, वो भी नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। एवरी हेल्थ यूनिट कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड टू बी $4, अच्छा ये इसकी कॉस्ट है सी वन, जितने इसके बेसिकली सेटम है उसमें इनकी कोर्स भी आ जाएगी, सेटम वन के लिए आगे कोर्स फॉर द एवरेज और लार्ज जो है फार्मर उनके लिए 5.5 आ जाएगी, फॉर मीडियम फार्मर 6.5 आ जाएगी, फॉर स्मॉल फार्मर्स सर्टिफाइड रैंडम 25 जो है स्मॉल एन आ जाएगा आपका बाय लिस्टिंग इक्वल एलोकेशन, आपने इक्वल एलोकेशन काम करना, प्रोपोर्शनल एलोकेशन और तीनों के थ्रू आप काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कंप्यूट ओवरऑल मीन एक्स बार एसटी, आपने जो है ओवरऑल मीन जो बेसिकली सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मीन भी कैलकुलेट करना है, सैंपल करने के बाद सर्टिफाइड सैंपल मीन बेस्ड ऑन द ईच ऑफ ऑल द अबव मेंशन एलोकेशन अज्यूमिंग द सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, लार्ज फार्मर्स, मीडियम जो है फार्मर्स और जो है स्मॉल फार्मर्स होंगे, तीन आपके पास स्टेटम भी मिले, स्टेटम वन, स्टेटम टू, स्टेटम थ्री, जिसका आपके जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में भी थे, इन सब के जो है डाटा गिवन है। नेक्स्ट आ जाएगा स्टेप, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है आपके क्वेश्चन का, टू फाइंड द सर्टिफाइड सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन बाय यूजिंग इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एंड ऑप्टिमल, तीनों एलोकेशन आपने यूज करेंगे। सोर्स ऑफ डाटा है, दीज डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द बुक एलिमेंट्स ऑफ सर्वे सैंपलिंग रविंद्रेश सिंह एंड नूरिंग सिंह, बेसिकली जो सैम्पलिंग में काम किया हुआ है ज़्यादातर इंग्लिश और वो जो सॉरी इंडियन ऑथर्स ने काम किया, तो बेसिकली सिंह है ये देख लीजिएगा इसके मतलब बुक का नाम और इसके ऑथर का नाम। नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड हमारा मेथडोलॉजी, आपने यहाँ पे एक्स बार एस टी दोनों कैलकुलेट करके देखने के इक्वल आ रहे हैं, यानी सबसे पहले आपने स्मॉल एन देख लिया, एक्स बार की वैल्यू आपने जो है किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ये बेसिकली समीशन एक्स का मतलब है तीनों स्टार्टअप की वैल्यूज को ऐड किया और जो एन है आपका तीनों वैल्यूज का जो एन वन एन टू एन थ्री तीनों स्टार्टअप की जो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस तरह से आपका एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार एस टी का आपका ये फॉर्मूला होगा कि आपने सैंपल वन का एक्स बार लिया, सैंपल टू का एक्स बार लिया, सैंपल थ्री का एक्स बार लिया, फॉर्मूला होता है आपके पास एन आई इक्वल टू एन ओवर के। अब के इसमें होता है कि कितने स्टार्टअप है, नंबर ऑफ स्टार्टअप आपके पास यहाँ पे तीन स्टेटा है लार्ज, मीडियम और स्मॉल, और एन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 24 है, आपने जो है सबसे पहले ये एन आई कैलकुलेट कर लिया, जहाँ पे एन आई आ गया आपका 8। इसके बाद होगा स्टेटम वन के लिए एक्स बार, आपका मतलब आपने 8 वैल्यूज कोई भी रैंडमली 8 वैल्यूज ली अपने स्टेटम वन से, उसका मीन कैलकुलेट कर लिया, कोई भी 8 वैल्यूज ली अपने स्टेटम टू से और उसकी मीन कैलकुलेट कर लिया, कोई भी रैंडमली जो है 8 वैल्यूज दी सेटम थ्री से उसका मीन कैलकुलेट करिए, ये आपके जो है सैम्पल्स के मीन हो गए। उसके बाद आपने एक्स बार एस टी का फॉर्मूला उन्हें बता दिया क्या होता है, यहाँ पे लिखा ये देखें एन वन ओवर एन एक्स बार वन, एन टू ओवर एन एक्स बार टू प्लस एन थ्री ओवर एन थ्री एक्स बार टू। अब जो एन वन की वैल्यू है, एन टू की एन की वैल्यू है, एक्स बार वन एक्स बार टू एक्स बार थ्री की जो वैल्यू है वो आपने चेक कर ली, करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है 42.9, और ये अप्रोक्सीमेट आपके पास जो है पॉपुलेशन के मीन के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनल एलोकेशन, इसमें भी आपका फॉर्मूला ये होता है एन इंटू कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन, अब एन यहाँ पे 24 गिवन है, स्मॉल एन भी गिवन है, कैपिटल एन भी गिवन है, ये तीनों कैलकुलेट करिए सेटम के लिए। फर्स्ट सेटम में 6 वैल्यूज लेंगे, सेकंड में आप 11 लेंगे, थर्ड में आप 7 वैल्यूज लेके उनकी सेपरेट सेपरेट मीन कैलकुलेट कर लेंगे इनके सैम्पल्स के। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपको उनका आपने एक्स बार एस टी कैलकुलेट करना है, उस एक्स बार एस टी की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन के मीन से देखेंगे अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑप्टिमल एलोकेशन, ऑप्टिमल एलोकेशन में आपको क्या करना है, एन आई की वैल्यू लिखनी, फर्स्ट डाटा में 20 वैल्यूज है, 36 है, फिर 24 है, सिग्मा आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, सी आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद आपने एन आई सिग्मा आई जो है इसमें से ये आप जो है कैलकुलेटर से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा आई। इसके बाद आपके पास एन आई सिग्मा आई ओवर सी आई ये फॉर्मूले के मुताबिक आपको ये करना पड़ेगा कॉलम और एन आई निकालना पड़ेगा, ठीक है एन आई का ये फॉर्मूला है ना यहाँ पर। अच्छा ये आगे इसके बाद आपका आगे फर्स्ट में से आपने 9 वैल्यू लेनी है, सेकंड में से भी 9, थर्ड में से 6, इस तरह से आपके हर सेटम से वैल्यूज लेके उसका मेन कैलकुलेट करके सैंपल का
बाद आप एक्स बार एस टी कैलकुलेट कर लिया आपने। आप कंपेयर करेंगे आप एक्स बार एस टी को और एक्स बार को, तो देखेंगे दोनों तरफ को तो इक्वल आ जाएंगे। लास्ट में आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा और कंक्लूजन के सॉरी सेकंड लास्ट आपको कंक्लूजन आ जाएगा और लास्ट में आपने रिपोर्ट लिखनी होती है। कंक्लूजन में आपको बताना होता है कि आपके रिजल्ट क्या रहे हैं, ठीक है, और रिपोर्ट पैकिंग में आपको सारा बताना होगा कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन थी, इतने हमने इस तरह सैंपल्स निकाले, फिर इस तरह से हमने इतनी एलोकेशन की, फिर ओपन एलोकेशन की, फिर हमने जो है उसके मुताबिक सैंपल्स लिए। जो जो स्टेप्स भी आप सारे कर रहे होते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, तो यही चीज़ है ना कि आपने सारे स्टेप्स बताने के, हमने मेथडोलॉजी में ऐसे किया, ऐसे किया, उसके ये रिजल्ट आए, तो सारा कुछ आ जाएगा आपके रिपोर्ट में। आज आपके दो ही प्रैक्टिकल्स करने थे आप लोगों ने, आई होप आपको क्लियर होंगे, अगर कुछ समझते हैं तो आप पूछ सकते हो और आप ये कर लेने हैं कम्प्लीट।